पूरी की पूरी रेडी है ना काशवी, और आज इसकी कैब वाले भैया हुए, काशवी पहले रेडी हो गई है, अभी टाइम तो हुआ ही नहीं है, अभी तो 7 बजे काशी के पापा जा चुके हैं ऑफिस, पूरा लंच फिनिश करके आना अपना, समझ में आ रही है। अगर आपको लंच बच के आया वापस घर पे, चाहे फ्रूट हो चाहे लंच हो, तो आपकी क्या हो जाएगी, पिटाई। आ गई समझ में। और डुगू गाइस आज अभी तक सो रहा, आज वो उठ के नहीं आया है, क्योंकि कल को पता है दिन में नहीं सोया था ना, इसलिए आज वो सो रखा है, अभी तक उठ के नहीं आया। नहीं तो अभी तक तो कब के उठ के आ जाता, फिर बोलता गाइस एप्पल खाओगे है ना काश, कैसी बोलता तो गाइस एप्पल खाओगे, देखो गाइस इसका अपना अपना चलता रहता है, क्या क्या करती रहती है। हम लोग निकल चुके हैं, काशवी क्या बात चुके हैं, काशवी काशवी हाय कर दो, तो हाय करने का तरीका, तो काशवी की क्या बात चुकी है, आज भी लंच पूरा फिनिश करके आना, ठीक है ना, समझ में आ रही है। आ रही है बिट्टू, ये तो मैं पिटाई करूंगी, ध्यान रखना इस बात का। गाइस मैं काशवी को छोड़ के आ चुकी हूँ, काशवी निकल चुकी है, घर चलते हैं, चलिए देखते हैं डुबू उठा या सो रखा है। अभी जब मैं आई थी तब तो सो रखा था, घर जाके देखते हैं कि उठा है या सो रहा है। गाइस काशवी स्कूल से आ चुकी है, काशवी अब अपना क्या ढूंढती है पता नहीं, क्या ढूंढे बेटा, इरेजर वगैरह ढूंढे, अपनी पेंसिल ढूंढ रही है, पता नहीं पाउच दे रखा मैंने इसको, इस पाउच में रखो बेटा, मैं पाउच में नहीं रखेगी, ऐसी पैक के रख देती है मिठाई में। बस काशवी अब खाना खाएगी, लंच करेगी, उसके बाद ट्यूशन का होमवर्क करेगी है ना, बेटा इस पाउच में रखो, इस पाउच में रखोगे तो आपकी खोएगी ही नहीं, समझ में आ रही है आपको। अब मेरी आवाज, और गाइस मैं काशू को गंजा करने वाली हूँ, मैं काशवी को गंजा करने वाली हूँ अब, क्योंकि काशवी आपको खुद बताएगी क्या किया है इसने आज स्कूल में। तो गाइस मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे बाल खींच के यहाँ पर लगा दिए, ये स्कूल में बाल खोलते हैं फिर बाल बनाते हैं, तो बनाते हैं ना, और पूरे बाल आज ऐसे आ रखे देखो, पूरे बिखरा के आ रखे बाल, चुट्टियाँ पूरी ढीली, मैंने आते ही से पूछ लिया काशवी आपके बाल ऐसे हो रखे तो आपको क्या हुआ बेटा, तब कह रही मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ना मेरे बाल खोल दिए, मतलब मैंने स्कूल में ना खड़ी हो रही थी बाहर ही, मतलब क्लास में, तो फिर क्या ही, अपने सीट पे चिंता कौन बोल रहा था आपको, मेरी बेस्ट फ्रेंड तो बोल रहे थे मैं ऐसी खड़ी हो रखी हूँ, आपने बोला कि नहीं, मैंने कहा तुम छोड़ बड़ी है मुझसे। गाइस देख रहे इसको, ये ऐसे बोल सकती है कि चल छोड़, मुझे तो लगता बेटा आपने ऐसे, सच्ची में वो बहुत बढ़िया, वो 6 साल की है वो, तो आप भी तो 6 इयर्स की हो भाई, हाइट भी ना आपने उसके साथ, आप तो बौने रह गए, आप अपने पापा की तरह गए हो ना छोटे हाइट के, इसलिए आप तो रहने दो, लेडीज से ना छोटी रहती है, मम्मा तो ना है छोटी, मम्मा आपको पता है मैम ने ना ब्लू कलर कॉपी में करवाया, देख लिया मैंने, देख लिया बेटू, आपने खुद बनाया पिक्चर, सही है आपको तो पिक्चर बनाने भी आ गए, चलो जल्दी अब रखो और अपना लंच करो और वो करो होमवर्क ट्यूशन का, मैं कॉल करता हूं, गाइस पता नहीं मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं होती, पता नहीं क्या हो गया मेरे, चक्कर ही नहीं जा रहे, गला बैठ गया, गला बैठ गया कोई बात नहीं, चक्कर नहीं आने चाहिए मेरे को, बहुत दिक्कत हो रही है, काशवी को हंसी आ रही है, देख रहे हो आप, वो
गेट कर रहे गेट आज इस काश्य कर रही है ट्यूशन का होमवर्क। अब उसके तो बाद गाइस ये टकवा वो चुपके पीछे बैठ चुकी है मम्मा जी ना गाइस ये धनिया को धनिया लिखती है ए मामू की लग जाएगी जल्दी करो जल्दी जल्दी अपना काम करो फिर थोड़ी देर सोओगे भी तो मम्मा ने भी और मम्मा ने भी अपने घर का काम भी करना है मेरा कुछ काम नहीं हुआ करूंगी यार पहले आपको सुना दूं लगा ली जब तू लगाने वाली होगी ना तब तू लगाएगी तो लगाऊंगा हाँ ठीक है आप बस कुछ आपसे मैं कुछ नहीं करवाना चाहती फिर मैं आपको सिर्फ पढ़ने के लिए बोलती हूँ बस आप पढ़ लो फिर हम आपको वहाँ भेज देते हैं होटल में किसी ठीक है वहाँ पे आप पढ़ना पढ़ाई तो आपकी बस की है नहीं आप पढ़ तो सकते नहीं हो तो वहीं पे झाड़ू पोछा बर्तन ठीक है आपको पोछा ही लगाने का शौक है मैं वहाँ भेज देती हूँ ठीक है अब बोलो अब बता दो पढ़ना है या फिर आपने वही पूछा था कल भी पूछा तो आज भी पूछ रही हूँ क्यों बताओ पढ़ना है या फिर झाड़ू पोछा मारने वहां जाके बर्तन धोने जल्दी बताओ क्या करना है पढ़ना है या जाना है होटल में पढ़ना है ना तो पढ़ लो फिर जल्दी से तो मैं भेज भी दूंगी मेरे को कोई टाइम नहीं लगेगा मैं ये नहीं चाहती कि आप निकल जाओ यहाँ से बस मैं ये चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ लो कभी आपको फौजी बनना है कभी आपको पुलिस बननी है कभी आपको डॉक्टर बनना है तो बिना पढ़े लिखे तो आप बनोगे नहीं इतनी सारी चीजें और बनता बंदा एक ही चीज है वो तो डॉक्टर भी पहनते हैं जीन्स भी शर्ट भी पैंट भी सब पहनते हैं डॉक्टर भी पहनते हैं वो तो होती है चलो ठीक है आप पढ़ लो राइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में राइस मैंने अपने लिए गोलगप्पे लगवाए मेरा पता नहीं क्या हो रहा है चक्कर पता नहीं बीपी लो रखा है क्या हो रहा है क्लास को बोला चला गोलगप्पे लिख के आ जा अजीब सा मन हो रहा है तो वो गोलगप्पे लेने गया अभी आएंगे क्या हो गया मुझे टुकू के पापा गाइस 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 लगाइए जैसे लगा रहते गाइस बोलो क्या हुआ क्या चाहिए गाइस से बोलो गाइस देखिए हमने बोलो पे मंगवाया इससे मैंने 3 प्लेट मंगवाए थे पर ये बंदा लेके आया है 50 रुपए के 10 रुपए का मंगाया इसको मैंने बोला था चिराग भर के लेके आई हो और पानी हम खुद डाल लेंगे पर ये का इसको समझ में नहीं आता है तो मेंटल ही हम ऐसे मंगवाते हैं भाभी की दुकान में हम बैठते हैं ना तो हम ऐसे मंगवाते हैं भाभी की दुकान में गाइस काश भी ट्यूशन से आने के बाद भी पढ़ाई कर रही है अपनी माय सेल्फ याद कर रही है काश भी क्या याद कर रही है फालतू में क्या हो रहा है पेपरों में तो आएगा ना पढ़ना तो है ही गाइस भी बोलेंगे कि पागल है भाई लिख कर दिखाओ मुझे
फाइव लाइन लिख के दिखाओ फटाफट। चलो लिख के तो दिखाओ, कुछ भी लिख के दिखाओ, दिखाओ तो भाई। दिन में काशी ने पार्ट ऑफ द बॉडी किए थे, अब काशी कर दिए माय सेल्फ। देखो डांस ही हो रहा इसका। गाइस काशी ब्लॉग भी बनाती है तो काशी पढ़ती भी है, पढ़ाई भी करती है। ऐसा नहीं कि काशी पढ़ाई नहीं करती। चलो लिखो। उसके पापा को नींद आ गई और डुबू पीछे से फोन देख रहा है। चलो चलो आप जल्दी से पैक करो। तो गाइस इस व्लॉग को ये एंड कर दिया। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो फिर लाइक करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।